हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? जैसे भी हो नीचे कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 के होंडा यूनिकॉर्न 160 सीसी के बारे में, इसके कुछ एडवांटेज के बारे में, क्योंकि 160 सीसी सेगमेंट में बहुत सारी बाइकें आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस बाइक को खास बनाती है इस सेगमेंट की अदर बाइकों से। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी 2022 में 160 सीसी सेगमेंट की कोई बाइक लेने वाले या फिर लेने का प्लान करें, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं यूनिकॉर्न के बारे में जो कि आप लोग को हो सकता है कि इस बाइक को काफी पसंद आने वाली है इस बाइक को इस एडवांटेज को जानने के बाद, क्योंकि ये जो बाइक है ना, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि इस सेगमेंट के अदर बाइकों में आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे नई वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग अगर शोरूम पे कोई बाइक को लेने जाते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो बाइक के लेके क्या होती है। तो आप लोग पहला सवाल करते हैं बाइक की प्राइस क्या है, दूसरा सवाल करते हैं माइलेज के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला जो एडवांटेज होने वाला है वो है इस बाइक की प्राइस, क्योंकि ये 160 सीसी की भले बाइक है, लेकिन इसकी जो प्राइस रखी गई है ना, आपको काफी कम देखने को मिलती है होंडा की तरफ से। तो दोस्तों, इसकी जो एक्सम प्राइस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1,05,314 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो टीवीएस की जो रेडर आती है ना, उसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,05,000 रुपए से लेके 1,12,000 रुपए देखने को मिलते हैं, लेकिन इस समय 160 सीसी की यूनिकॉर्न जो आ रही है ना, इस समय इसकी एक्सोन प्राइस देखने को मिलती है जो कि मेरे हिसाब से इस सेगमेंट के जो अदर बाइक आते हैं ना, उसकी तुलना में आपको काफी कम प्राइस देखने को मिल रही है होंडा की तरफ से। और अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, तो ये लगभग आपको पड़ जाएगा 1,27,000 से 1,30,000 के बीच में आपको कंप्लीट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था इस बाइक का सबसे पहला एडवांटेज की जो कि इस सेगमेंट की सबसे सस्ती बाइक मान सकते हैं इसे आप लोग, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना, इस सेगमेंट की अदर बाइकों से आपको काफी कम देखने को मिल रहा है होंडा की तरफ से। तो दोस्तों, ये तो इसके पहले एडवांटेज की बात, और जो दूसरा सवाल था आप लोग का वो था माइलेज। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो भी इस बाइक की माइलेज ही है, क्योंकि इस सेगमेंट की जो अदर बाइक आती है ना, उसके मुकाबले में जो होंडा यूनिकॉर्न 160 सीसी आपको माइलेज देती है ना, मेरे हिसाब से अदर कोई इस सेगमेंट की बाइक आपको नहीं देगी, क्योंकि इसमें आपको 50 से 55 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। जी दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, इसमें आपको 50 से 55 का माइलेज आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको 160 सीसी का इंजन चाहिए लेकिन आपको माइलेज अच्छा चाहिए, तो आप लोग इस बाइक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफी बेहतरीन माइलेज देखने को मिल जाती है इस सेगमेंट की अदर बाइकों से। तो दोस्तों, ये तो इस बाइक के दूसरे एडवांटेज की बात, दूसरे अच्छी चीज की बात। अब बात करते हैं इसके अगले एडवांटेज के बारे में, इसके थर्ड एडवांटेज के बारे में, जो कि है इस बाइक का इंजन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो होंडा का इंजन होता है ना, काफी रिफाइन इंजन होती है, उसकी जो लाइफ होती है ना, काफी लंबे समय तक चलती है, और साथ ही साथ लो मेंटेनेंस इंजन होती है। और साथ ही साथ आपको बता दें, 160 सीसी की जो अदर बाइक आती है ना, उसके मुकाबले में इसके इंजन में आपको जो वाइब्रेशन मिलता है ना, वो भी आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इसका जो इंजन है ना, काफी रिफाइन और काफी अच्छा इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको FIS सिस्टम के साथ आती है। तो इसमें आपको रिफाइन इंजन मिल जाती है जिसकी लाइफ काफी समय तक चलेगी, और साथ ही साथ लो मेंटेनेंस बजट वाला है। तो इसमें आपको इंजन में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो उसको आप लोगों को मेंटेनेंस करने के लिए आपको ज्यादा बजट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो इंजन है ना, लो मेंटेनेंस वाला इंजन है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये भी इस बाइक का एक एडवांटेज है कि इसमें आपको रिफाइन इंजन मिलता है जिसकी लाइफ काफी लंबे समय तक चलेगी। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के अगले एडवांटेज के बारे में, जो कि इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये 160 सीसी की भले बाइक है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप लोग इस बाइक के फाइबर क्वालिटी को देखेंगे या फिर किसी भी बाइक के पार्ट को देखेंगे, तो काफी आपको बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन देखने को मिल जाती है होंडा की तरफ से। तो दोस्तों, इस बाइक में जो मजबूती मिलती है ना, वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, जो कि इस बाइक का एक एडवांटेज हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी बाइक है ना, काफी सिंपल और काफी बेहतरीन बनाई गई है, जिसकी वजह से इसका जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है ना, आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। इसमें ज्यादा तामझाम आपको होंडा की तरफ से देखने को नहीं मिलती है, सिंपल और सोबर इसका लुक बनाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से इस बाइक का एडवांटेज है। और अगर हम बात करते हैं इसके अगले एडवांटेज के बारे में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो लुक है ना, आपको सिंपल लुक मिलता है, जो कि 160 सीसी सेगमेंट की सबसे सिंपल और सबसे बेहतरीन लुक मिलती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग को, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको पावर ज्यादा अच्छा चाहिए, इंजन बड़ा चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा सा सिंपल लुक चाहिए, उनको ज्यादा भड़काऊ चीजें नहीं चाहिए, जैसे कि इंजन काउल हो गया और फ्यूल टैंक का काउल हो गया, ये सब चीजें नहीं चाहिए, ज्यादा स्टिकरिंग नहीं,
चाहिए तो वो लोग इस बाइक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि होंडा यूनिकॉर्न का जो लुक मिलता है ना काफी सिंपल और काफी बेस्ट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है ना अभी भी काफी पसंद की जाती है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों आप लोग बताना कि आप लोग को होंडा यूनिकॉर्न का जो लुक मिलता है ना आप लोग को कैसी लगती है, नीचे कमेंट करके बताते चलिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इस बाइक का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि होंडा यूनिकॉर्न के लवर को काफी पसंद आती है। और अगर हम बात करते हैं इसके अगले एडवांटेज के बारे में, अगले अच्छे चीज के बारे में, जो कि इस बाइक का सीट कंफर्ट है, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये भले ही 160 सीसी की बाइक है लेकिन इसका जो सीट कंफर्ट मिलता है ना, इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है जिसका जो लेंथ मिलता है ना आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसमें आपको जो सीट कंफर्ट मिलती है आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इसके राइडर सीट को देखेंगे या फिर पिलनर राइडर सीट को देखेंगे तो इसमें आपको जो सीट कंफर्ट मिलने वाली है जैसे डेली कमोटर बाइक जो आती है ना उसकी तरह इसका सीट कंफर्ट देखने को मिल रहा है होंडा की तरफ से। तो दोस्तों होंडा ने इस बाइक को इस हिसाब से बनाया ना कि जैसे कि आपको कंफर्ट को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज होंडा ने इस बाइक में देखने को नहीं दिया है, क्योंकि इसका जो सीट कंफर्ट है ना काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है इस सेगमेंट की अदर बाइकों से। क्योंकि बहुत सारी बाइकें आती हैं अगर हम कंपेयर करें NS 160 से तो उसका जो सीट मिलता है ना इसके मुकाबले में काफी हार्ड मिलता है, तो इसकी वजह से इसका जो सीट कंफर्ट है ना ये मुझे इस बाइक का एक एडवांटेज लगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को राइडिंग कंफर्ट ज्यादा बेटर चाहिए, आप लोगों को सीट कंफर्ट अच्छी चाहिए, तो आप लोग होंडा यूनिकॉर्न 160R के साथ जा सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अगले एडवांटेज के बारे में जो कि इस बाइक का सस्पेंशन है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो सस्पेंशन मिलता है ना आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है इंडियन रोड के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलती है और साथ ही साथ जो रियर सस्पेंशन मिलता है वॉक मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। और गौर करिएगा दोस्तों ये जो बाइक है ना ये पहली बाइक है इंडिया की जिसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया था होंडा की तरफ से। तो सस्पेंशन क्वालिटी जो मिलती है ना वो काफी जबरदस्त देखने को मिलती है इस बाइक को। जो सस्पेंशन क्वालिटी को जो बनाया गया ना सस्पेंशन को बनाया गया वो इंडियन रोड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो इसमें आपको जो सस्पेंशन क्वालिटी मिलती है जो राइडिंग कंफर्ट मिलते हैं ना वो काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है होंडा यूनिकॉर्न में। और अगर हम बात करते हैं इसके अगले एडवांटेज के बारे में जो कि मुझे इस बाइक में काफी अच्छा लगा, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि 2021 में BS6 अपडेट के बाद बहुत सारी बाइकों ने जैसे कि TVS के अपाची को ले ले, 4V को ले ले, सभी में से किक हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी होंडा यूनिकॉर्न में आपको किक और सेल्फ दोनों सुविधा देखने को मिल जाती है होंडा की तरफ से। तो ये मुझे इस बाइक का प्लस पॉइंट लगा कि बाई चांस आपके बाइक के बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग इस बाइक को आराम से किक मार के स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे इस बाइक का एक एडवांटेज में ही आता है। तो दोस्तों ये तो इसके किक एडवांटेज की बात, अब बात करते हैं इसके अगले एडवांटेज के बारे में। तो इसमें आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ इसका जो अगला एडवांटेज है वो है इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपको मिलता है 187mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के कुछ ऐसे एडवांटेज, कुछ ऐसे अच्छाइयां जो कि इस बाइक को इस सेगमेंट की अदर बाइकों से खास बनाती हैं। तो अब फाइनली बात करते हैं कि आप लोग को इस बाइक को क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को 160cc की बाइक चाहिए लेकिन आप लोग का बजट कम है और आप लोग को माइलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को डेली कम्यूटर बाइक वाला लुक चाहिए, आप लोग को डेली कम से कम 70 से 100 किलोमीटर तक राइड करना है और आप लोग को माइलेज अच्छा चाहिए लेकिन आप लोग को थोड़ा सा पावर भी अच्छा चाहिए, तो आप लोग इस बाइक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लुक भी आपको सिंपल मिलता है, दूसरा इसमें आपको माइलेज भी अच्छी मिलती है, इसका बजट फ्रेंडली बाइक है और साथ ही साथ होंडा की बाइक है, जो कि इसमें आपको इंजन मिलेगा काफी रिफाइन इंजन देखने को मिल जाती है जो कि काफी लंबे समय तक चलेगी। तो दोस्तों ये थी इस बाइक की कुछ अच्छाइयां जो कि मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी, ये जो अच्छाइयां मैंने बताया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि होंडा यूनिकॉर्न 160R में कोई और अच्छी चीज है जो कि मैंने मिस कर दी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि इसका जो डिसएडवांटेज की वीडियो है ना बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बाइक 100% परफेक्ट नहीं होती है, कुछ कमियां भी इस बाइक में भी है जिनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को इस बाइक से जुड़े या फिर इस वीडियो से जुड़े कोई सवाल करना है या फिर कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आपको हमारी इंस्टाग्राम की ID स्क्रीन पे शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ देने के लिए हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।